जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। है 5 कर्म संन्यास योग श्लोक 15। नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सबका कर्म संन्यास योग सिखावता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन, आत्मा पिछले कर्मों के अनुसार कई शरीरों में प्रवेश करत है। आत्मा के आपन कोनो स्थायी निकाय नहीं होते, इसलिए आत्मा के कोनो स्थायी बंधु या शत्रु नहीं होते। आत्मा केहू के दुख, पाप या पुण्य नहीं मिटा सकत। तो अर्जुन, आत्मा इन सब बंधु और शत्रु कैसे अर्जित करत है? ये सब शरीर के संयोग के कारण होते है। जिस क्षण आत्मा शरीर में प्रवेश करत है, पिछले कर्मों के छाप और वासनाओं के कारण आत्मा के जो वास्तविक प्रकृति है, यानी कि ज्ञान या बुद्धि, वो पूरी तरह से ढक जाते है। तब आत्मा ये सोचत है कि हम ही शरीर रही और शरीर से संबंधित सभी क्रियाएं हमारे कर्म हैं। फिर आत्मा सोचते हैं कि ये सब हमारे मित्र हैं और हमारे शत्रु हैं, जौन भी शरीर से संबंधित हैं उन्हें, इसके कारण सुख और दुख आवत हैं। ये सब शरीर के संयोग से होता है और पिछले कर्मों और प्रभाव के कारण होता है। और इसके कारण आत्मा के वास्तविक प्रकृति, जौन की ज्ञान है, वो छुपी हुई है। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा हमारे वास्तविक स्वरूप, जो उनकी आत्मा है, उसका समझावता है। परमात्मा की शिक्षाओं पर ध्यान करते हुए और हर दिन स्वयं का ई याद करते हुए कि हम लोग कितने शुद्ध हैं, आओ हम सब परमात्मा के शब्दों का इसी प्रकार दोहराए। नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः। श्रीमद् भगवद गीता के पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहें, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहें, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण, हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय असफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन्नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन्नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमार दूसर वचन, हे श्रीमन्नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमार तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमार चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमार पांचवा वचन, हे श्रीमन्नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन,
मामेकं शरणं व्रज, अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवद गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है, हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है, जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतेन हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पचावे के प्रयत्न करब। अभय हम परमात्मा से अपन आठ वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब, और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ॐ नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। सदैव भक्तन से विशेष अनुरोध, हमारे जीवन में सारी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। यही की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन एक मिनट व्यतीत करें और नारायण आश्रम पढ़ें। नारायण आश्रम प्राप्त करने के खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट www.narayanashram.org पे जाए के पंजीकरण में अपन नाम और ईमेल दें। आपकी ईमेल पे आपको एक नारायण आश्रम पीडीएफ तुरंत मिल जाएगी। पीडीएफ में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम बा, तीनों का एक साथ नारायण आश्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के इन श्लोकों के भिन्न भिन्न संयोजन प्राप्त होते हैं। जब सब 24,000 भक्तन के साथ प्रतिदिन अपने नारायण आश्रम का पढ़त हैं या सुनत हैं, तो संपूर्ण रामायण पारायण के एक माला, श्रीमद् भागवत गीता पारायण के 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत पारायण के 24 माला प्रतिदिन पूरी होत। ये एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करे से निकलत। एक लिए आप और आपके परिवार वाले तुरंत जाके अपन नारायण आश्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।